मित्रों नमस्कार। गत एपिसोड में हमने ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर की ब्रिगेड के उस मूल्यवान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन के बलिदान के बारे में चर्चा की थी। उसी यूनिट में, उसी संघर्ष में लगे थे हमारे अत्यंत वीर पराक्रमी मेजर राजेश अधिकारी। मेजर राजेश अधिकारी नैनीताल के पास एक छोटे से गांव में जन्मे, बाल्यकाल से ही मेधावी और मानो पहाड़ों पर चढ़ना उनका शौक था। भगवान ने ऐसा ही शौक उसको दिया था, दौड़ करके पहाड़ों पर चढ़ जाना, एक अच्छे पर्वतारोही वो बने। परंतु मन में देशभक्ति होने के कारण से वो आर्मी में भर्ती हुए और आर्मी में भर्ती होने के बाद मैकेनाइज्ड यूनिट में उनको कमीशन मिला। हमको मालूम है 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, उस युद्ध के प्रारंभ में ही ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर को यह जिम्मा मिला और प्रारंभ में ही जो कि कारगिल की विजय और कारगिल के युद्ध का आधार स्तंभ बने ऐसे 18 ग्रेनेडियर यूनिट मेजर राजेश सिंह जिस दिन ड्यूटी पर थे वो पहला दिन था और पहले दो बंकर जो पहाड़ी के अंदर बनाए गए थे और दोनों बंकर ऐसे थे कि उसमें किसी भी प्रकार का बाहर से फायरिंग नहीं हो सकती थी, उस पर कोई असर नहीं होता, किसी तरह का ग्रेनेड या कोई भी ऐसा हथियार उसमें उपयोग नहीं हो सकता था। यह मेजर राजेश ने ठीक प्रकार से अध्ययन कर लिया था। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना, तो उस बंकर के निकट जाना, अपनी 5 लोगों की टोली लेकर के और मेजर राजेश आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए। इतना आगे बढ़ गए कि बंकर में जो दुश्मन छुपे थे उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड के शिकार इस 5 यूनिट के 2 सैनिक काम में आ गए, दोनों का बलिदान गया। राजेश को निर्णय लेना था कि अब क्या करना है, 2 साथी और हैं, 5 का बलिदान होना है या स्वयं का बलिदान दे करके और किस प्रकार से उन दोनों बंकरों को नष्ट करना है। समय न गवा करके अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी, ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर बहुत प्यार करते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो सबसे पहली लड़ाई में सबसे आगे के उसमें जाए, उनका स्नेह था, उनका मन उस बेचारी उसकी पत्नी के बारे में भी वो सोचते थे कि राजेश विजय करे लेकिन वापस जरूर जाए। इसलिए बार बार ऑपरेटर को बोल रहे थे कि राजेश से बात कराओ, राजेश से बात कराओ। उस समय ऑपरेटर ने कहा, सर भयंकर गोलाबारी हो रही है, राजेश से बात नहीं करवाई जा सकती। और उधर राजेश निर्णय लिया कि मैं बंकर के अंदर जाऊंगा। और देखते ही देखते राजेश ने जंप लगा करके उस बंकर में प्रवेश किया। 2 दुश्मन के 2 सैनिक थे, दोनों को उसने मार दिया। दोनों के मारने में 1 गोली राजेश को भी लगी। अब दूसरे बंकर में जो दुश्मन छुपे थे वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनको बाहर से आकर के बाहर से कोई भी किस तरह का उनको मारा नहीं जा सकता था। इसलिए मेजर राजेश ने ठीक समय पर ठीक निर्णय लेकर के और ग्रेनेड निकाल करके दूसरे बंकर में बीच का जो कनेक्शन था, जो एक छेद था, एक जो आने जाने का रास्ता बना रखा था, उसके माध्यम से उसने फेंका, जोर का धमाका हुआ, दोनों बंकरों पर विजय यह भारत की हुई। परंतु ये सारे संघर्ष में मेजर राजेश ये बलिदान हो गए।
एक अच्छा उगता हुआ ऐसा एक सैनिक, वीर सैनिक यह उस लड़ाई में काम आया, परंतु भारत की सेना को एक रास्ता दिखा दिया ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह। आज भी जब राजेश के बारे में बताते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। कारगिल की जब जब भी याद आएगी, कारगिल का जब जब भी जिक्र होगा, मेजर राजेश निश्चित रूप से याद आएगा। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में मेजर राजेश के नाम से एक पार्क बनाया। उस स्टेचू पर लोग हर वर्ष इकट्ठा होते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं। हम भी कभी जाकर के इस महान सेनानी को पुष्प अर्पित करें। धन्यवाद।